बुद्ध धर्म क्या है, तो बुद्ध धर्म क्या है इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, उस व्यक्ति ने जिसने प्राकृतिक के और मनुष्य के जीव के परम ज्ञान को, अल्टीमेट नॉलेज को जो प्राप्त किया, और उस नॉलेज को जो उसने बताया, जो उसने बाद में बताया, उस नेचुरल नॉलेज के जो नाम दिया गया पाली भाषा के अंदर, उसको धम्म बोलते हैं जी। और जिसको उन्होंने वो सिखाया और जो लोग उसको सीख गए उसको उन्होंने धम्मी कहा जी। और जो उसके आचरण में आ गए उनको उन्होंने धम्म आचरण कहा, और जो उसको सिखाने वाले टीचर आए उसको उन्होंने उस समय धम्माचार्य या टीचर, या जो आज के समय हम कहेंगे तो मास्टर, ऐसा उसमें कहा गया। तो बुद्ध धम्म यानी बुद्ध व्यक्ति का नाम हो गया जिस जो धम्म को जानता है, और उसने जो फिलॉसफी बताई उसको धम्म कहते हैं। तो बुद्ध धम्म के नाम से जाना जाता है जी। और ये व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो उस परम ज्ञान को हासिल करता है वो धम्म हो जाता है, वो बुद्ध हो जाता है, और उस परम ज्ञान को उसके नाम से जाना जाता है। ये 28 बुद्धों में सभी का बुद्ध धम्म है, एक अकेले सम्यक संबोधि या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नहीं है। जितने 28 बुद्ध अब तक बताए गए हैं उन सबका जो फिलॉसफी है, जो उन्होंने समझाया और जो बताया, उसको बुद्ध धम्म के नाम से जानते हैं। जो बाद में जब पाली के बाद में जो भाषा और आई और मॉडिफाइड हुई, तो उसमें इसको धर्म करके भी बताया जाता है। हिंदी में इसको आप धर्म कह सकते हैं और पाली में ये धम्म है। बेसिकली नेचुरल रूल को धर्म कहते हैं, जैसे कहते हैं कि पानी का धर्म क्या है या पानी का धम्म क्या है, आग का धर्म क्या है या आग का धम्म क्या है, इसमें भेद नहीं है। मगर आज के समय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई धम्म जो है वो सिर्फ बुद्ध ने दिया है, और धर्म जो है वो अलग तरह का है, मैन मेड है कह सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि उसका स्वरूप बड़ा बिगड़ा हुआ है। We'll be right back.